अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये है आयतल कुर्सी हज़ारी का अमल। आयतल कुर्सी हज़ारी जो कि बंदिश के लिए बड़ी मुजरब सरीउल असर है और भी बहुत सारे कामों में ये काम आती है, तो इस अमल की मैं ज़कात आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, पूरी डिटेल से सुने ताकि आपको सही तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो इसकी इबारत कुछ इस तरह से है, आयतल कुर्सी हज़ारी लोए दा कोट तरामे की चार दवारी चढ़े पैगंबर करें सवारी चवा कोठा दी खबरदारी ईसा व मूसा कुफल कुंजी तख्त सुलेमान बेहक सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह की हुक्मरानी चले चले ना चले तो ज़बान ना चले दिल व जान ना चले हवा और ख़जान ना चले कहना मान हार जिंद जान इंसान भूत शैतान चड़ेल परी हर चीज़ ज़ेर सुलेमान चले। तो अब इसका तरीका ज़कात का बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद इंसान को इससे फ़ायदा पहुंच सके। तो इसकी ज़कात का तरीका कुछ इस तरह से है कि ज़कात इसकी 101 मर्तबा रोज़ाना अव्वल व आखिर 11-11 मर्तबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ाई करनी है और ये पढ़ाई 21 रोज़ तक लगातार करनी है। तर्क परेज जलाली व जमाली है। 21 रोज़ में जितना परेज रखेंगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। शरई परेज लाजमी करें, नमाज की पाबंदी रखें और एक अलहदा जगह हो जहाँ किसी की आमद रफ़ ना हो वहाँ आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो वीराने में हो या घर में कोई अकेला कमरा हो या किसी भी जगह पर, लेकिन वहाँ पर किसी का आमद रफ़्त ना हो। बाद अमल मुकम्मल होने के हर रोज़ 7 मर्तबा आप इसको विर्द में रखेंगे ताकि अमल काबू में रहे और असरात भी बढ़ते रहें अमल के। तो काम लेने का तरीका ये है कि एक सफ़ेद कागज़ ले लें, उस पर इस को लिख कर 7 मर्तबा उसके ऊपर इसको दम करें और फिर मतलूबा जगह पर उसको दफन कर दें। पढ़ते वक़्त या लिखते वक़्त मकसद का तसव्वुर मजबूती से रखें तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। आप अगर इसको ऐसे ही 7 मर्तबा पढ़ेंगे तो भी ये असर करेगी, लेकिन अगर आप इसकी ज़कात अदा करके तो फिर 7 मर्तबा अगर इसको पढ़ेंगे तो आप अपनी आँखों से मुशाहदात नज़र आएंगे, हर चीज़ समझ आएगी और असरात नज़र आएंगे, आप खुद महसूस होगा। तो ये बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल है। और लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी अमल करना हो तो हसार लाजमी करें। अगर आपने किसी हसार की ज़कात अदा की हुई है तो वो बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छी बात वो है कि जिसकी आपने ज़कात दी है उसी हसार का अमल में उसी को इस आप असार उसी का करें। तो अगर नहीं तो आप लाजमी एक हसार करें ताकि आप कोचिल्ला के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सबब ना हो।
तो ये बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।